यूएस और कनाडा को ऑलमोस्ट पूरा एक्सप्लोर करने के बाद इस बार बारी आ गई है यूके एक्सप्लोर करने की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि चार देश इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड्स को मिला के बनता है। माता जी, वो छोटा सा टापू जिसने अपने टाइम पे एक चौथाई दुनिया पे राज की है, तो जरा यहाँ का थोड़ा सिस्टम भी समझ लें क्या हिसाब किताब रहा है इनका। और एक छोटी बजट ट्रिप हम अपनी जो है लगाएंगे इस कंट्री के अलग अलग हिस्सों से घूमते हुए। स्वीटहार्ट, आर यू रेडी फॉर दिस ट्रिप? मोर देन रेडी। मिलेंगे बहुत सारे यहाँ रहने वाले लोगों से, इंडियन से, और डिस्कस करेंगे वो सारे इमिग्रेशन के रूल्स जो अब काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए हैं, कि कैसे यूके में आके बसा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, और सारी पार्टीज, नाइट लाइफ, अलग अलग शहर जिनके आपने नाम बहुत सुने होंगे मगर इतनी डिटेल में शायद उनके बारे में देखा ना हो, सेहत ने साथ दिया और हमारे कोई प्लान गड़बड़ ना हो गए, जो अक्सर हो जाते हैं। तो हम इस ट्रिप में आप खुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। दुनिया में सबसे महंगे और बसने के लिहाज से सबसे मुश्किल समझे जाने वाले देशों में से एक को कम से कम पैसों में देखने, समझने और वो सब चीजें जानने जो कि हिंदुस्तानियों के लिए जरूरी हो सकती हैं। अपने होटल से निकलने की तैयारी में, अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ, मैं ट्रैवलिंग देसी। हर जगह ट्रैफिक जाम लग रहे हैं काठमांडू में, मगर नेपाल के थ्रू जाने के दो रीज़न थे। सबसे बड़ा तो ये कि फ़्लाइट टिकट यहाँ से बहुत सस्ती थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया से अगर मैं डायरेक्ट यूके जाता तो, प्लस मैडम का इंडिया का वीज़ा भी नहीं था तो मैडम यहाँ पे थी, तो हमने इकट्ठे यहाँ से प्लान बना लिया। बाकी डिटेल आपको एयरपोर्ट पहुँच के दे दूँ। जिस काउंटर पे हम खड़े हैं वो है एयर अरेबिया का, मगर फ्लाइट हमारी एतिहाद की है, इसको कोड शेयर फ्लाइट बोलते हैं, यानी कि नेपाल से हमें अबू धाबी तक एयर अरेबिया की फ्लाइट लेके जाएगी पार्टनरशिप में, और वहाँ से आगे हमको फ्लाइट लेके जाएगी एतिहाद की, जो 8 घंटे की। ये तो सारे हाथ में जाएंगे। आइए तैयार हो और हमने ये कॉम्बिनेशन दो वजह से ली है। एक तो ये कि नेपाल से टिकट सस्ती पड़ रही थी बहुत, इंडिया से जाने की वन वे टिकट 60,000 की थी, फॉर सम रीज़न यूके में भी शायद अभी अभी खुला है, बट क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं तो इट वॉज लाइक 20,000 के आसपास। हमें अभी तक किसी ने मास्क पहनने को कहा नहीं, हम भी भूल गए थे, किसी ने भी नहीं पहना हुआ, कोई टोका भी नहीं आया। यहाँ से जी कोई तकरीबन 3.5 घंटे की फ्लाइट है हमारी अबू धाबी की पहले, और एयर अरेबिया में जा रहे हैं एज आई टोल्ड यू। मैंने अपनी जॉर्डन सीरीज में भी बताया था कि एयर अरेबिया अरबिक रीजन की सबसे सस्ती एयरलाइन है, और एतिहाद जो है वो नेपाल आती नहीं है, तो इनकी कोड शेयर यहाँ से जाएगी, वहाँ से आगे नहीं हमारा एयरक्राफ्ट अच्छा वाला है। बट बजट एयरलाइन का अगर आप मतलब समझो तो ये देख रहे हो जी, इतना ही मेरा हाथ सीधा हो पा रहा है इसके अंदर, और लेग रूम इसके अंदर बस इतना है कि घोड़े मेरे टच ही कर रहे हैं तो, मगर अब यह है कि सस्ती फ्लाइट लेने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। और सेंट्रल की वजह से हमने तो नेपाल से होकर जाना ही था, मगर अगर आप इंडिया से डायरेक्टली जाना चाहें तो एक और एयरलाइन है ज़बरदस्त, जो इससे भी आधे रेट में जाती है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन 2-3 की, वो आपको अभी तो भी पहुंच के बताता हूँ क्योंकि वहाँ से उसकी रिलेवेंस बढ़ जाएगी। पोल्यूशन का आपको अंदाज़ा हो जाता है जब सामने की पहाड़ियाँ भी नज़र नहीं आती ऊपर से देखते हैं तो, जब खासकर जब जहाज इंक्लाइन पे हो ऐसे। अब जी एयर अरेबिया में तो पानी की बोतल भी जो है 3 दिरहम की मिलती है, मगर सैंडविच जो है इंक्लूडेड इसलिए है क्योंकि हम एतिहाद से फ्लाई कर रहे हैं, उसकी कोड शेयर फ्लाइट है जैसे कि मैंने बताया, मगर इसके अंदर ना टीवी स्क्रीन तो नहीं है, मगर फ़ोन पे आप इनके लोकल वाईफाई से कनेक्ट करके मूवीज़ वगैरह लगा सकते हो। अब इन्होंने कहा कि आपने चेक इन करते टाइम हमें बताया नहीं कि कौन सी मील आपको चाहिए फ्री, जो कि हमने नहीं किया, तो सबको बाय डिफॉल्ट चिकन दे दिए, कहने आप आंटी के लिए वेज चाहिए तो खरीद लो पैसे दे।
और अब लग जैसा रहा है कि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, आधे लोगों ने मास्क पहने आधे ने पहने नहीं है, कैबिन क्रू भी ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा कि किसी ने नहीं पहने तो बार बार बोले आके। तो कैप्ट सेइंग द फ्लाइट इज 3.5 आवर, एक्चुअली इट इज 4.5 आवर, क्योंकि काठमांडू तो दिल्ली से दूर है। 4 आवर 50 मिनट्स। साढ़े 3 घंटे हो गए, मैं कहा पहुंच क्यों नहीं रहे। फिर मेरे को ध्यान है दिल्ली से नहीं काठमांडू से आए, और काठमांडू दिल्ली की अपोजिट साइड है अगर दुबई को देखा जाए तो, इसीलिए 4 घंटे 50 मिनट की ये फ्लाइट है। थोड़ा सा फंस गए हैं इसके अंदर, अनकंफर्टेबल है, बट कोई बात नहीं, चलो पैसे तो बच रहे हैं। सस्ती टिकट लेने का एक और कॉम्प्रोमाइज़ है, लॉन्ग ले ओवर, 8 घंटे का ले ओवर हमें करना है यहाँ पे। बट क्योंकि हमारे पास वो क्रेडिट कार्ड से सबके पास इनमें लाउंज एक्सेस होता है, तो इसीलिए हम अब लाउंज की तरफ जाएंगे। ये आ गया जी लाउंज के अंदर। माता जी लाउंज में पहली बार आए हो ना? नहीं, एक बार पहले भी आई थी। अच्छा, ये जी कंफर्टेबल सेटिंग वगैरह बनी होती है। हमारे क्रेडिट कार्ड में लाउंज की पास थे जिनसे हमने एंट्री ले ली है। शावर भी हैं यहाँ पे, फैमिली स्पेस, वर्क स्टेशन ये लगा हुआ है जी। खाना जितना मर्जी भरो, माता जी बुफे शुफे खाओ, हैं पैक तो आपने लगाने नहीं। हाँ, इंजेक्शन लगा लो। ये देखो मैं वर्क स्टेशन बने हुए, किसी ने बैठ के काम करना ना, जैसे मैं भी यहीं आ जाऊँगा क्योंकि ना हाँ गर्दन में दर्द नहीं होती, फिर आराम से बैठे करो। मम्मी मुताबेल है या बबगनूश है? मुताबेल है, ये वही बैंगन वाली पेस्ट होती है जो हमने जॉर्डन में खाई थी। और लाउंज में एंटर करने के लिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो एंट्री इसके अंदर 3 घंटे के लिए 200 दिरहम है और 6 घंटे के लिए 367 दिरहम, 8,000-7,500 रुपये के आसपास। क्योंकि सैंड्रा नेपाल में थी तो हमें तो वहीं से ही आना था, मगर मेरी एक और इच्छा थी ऑप्शन ट्राई करने की जो कि अनबिलीवेबली चीप है। अगर आप अबू धाबी से जाते हैं लंदन और वापस आना 8,000-8,500 रुपये के टिकट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूरोप के कई बड़े शहर जैसे कि आप रोम ही मान लीजिए 8,000-9,000 रुपये में जाने आने की टिकट है विज या पेगासस करके, दो सस्ती एयरलाइंस यहाँ से चलती हैं। तो अब जैसे रमादान का टाइम चल रहा है तो दुबई की फ़्लाइट सस्ती हैं, अगर आप इंडिया से दुबई की फ़्लाइट लेके यहाँ पे आते हैं 2-3 दिन दुबई में लगाइए, बस वीज़ा की आपको कॉस्ट देनी है 15,000 के आसपास मिल जाती है और 10,000 रुपये और डाल के आपको टिकट मिल जाएगी आगे यूरोप या लंदन से आने जाने की। बस इसके अंदर एक कैच ही होता है कि ये फ़्लाइट्स जो है ना ये अलग अलग बुक होंगी, अगर पहले वाली कैंसिल हो गई किसी वजह से तो दूसरे वाली के पैसे उड़ जाएंगे आपके। और जो दूसरी सस्ती वाली है 8,000 वाली, इसमें बैग इंक्लूड नहीं होते, बैग लेने के लिए आपको 2-4,000 और देने पड़ेंगे। तो वीज़ा का खर्चा और ये दो टिकट्स कंबाइन करके एक बंदे की टिकट 25,000 रुपये से ऊपर नहीं जाती। मगर अगर आप ये दुबई वाला लफड़ा नहीं भी लेना चाहते और आपको एक्स्ट्रा स्टॉप से जैसे 2 या 3 स्टॉप पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30,000 रुपये में आप लंदन आना जाना कर सकते हैं या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री इंडिया से डायरेक्टली दिल्ली या मुंबई से। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा थोड़े स्टॉप कम कर दो, मतलब 1 या 2 स्टॉप ही हो ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना हो, तो उस केस में 38,000 के आसपास रेट पहुँच जाता है। बट यू शुड हैव अ लुक, हमारा एक्चुअली प्लान था इसी से ट्रैवल करने का, बट क्योंकि सैंड्रा नेपाल में थी, वापसी जो हम करें वो विज से करें ताकि मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ कि कैसे एक एयरलाइन 8-9,000 रुपये में अगर आप 20-25 दिन पहले टिकट बुक करा लें तो आपको दुनिया के इतने इतने बड़े बड़े शहरों में ले जाती है। और एक चीज़ और, एक और कैच है, ये आपको लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट नहीं लेके जाएगी, ये लंदन से कोई 1 घंटा दूर सस्ता एयरपोर्ट है वहाँ जाती है, तो इनकी अपने एयरपोर्ट कॉस्ट पे बचाते हैं, मगर आपको थोड़ा सा टैक्सी की जो कॉस्ट होती है या ट्रांसपोर्ट की वो एक्स्ट्रा पड़ जाती है। तो कहने का मतलब है फिर भी इन सब चीज़ों के बाद थोड़े पंगे बढ़ जाएंगे बट पैसा बहुत बचता है। तो अगर आप बजट ट्रैवल सोच रहे हैं, विज इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर एटलीस्ट वंस। ये एयरलाइन इतनी पॉपुलर हो गई है यहाँ पे कि आप अगर आप स्क्रीन देखें अबू धाबी या दुबई की तो हर 5 या 10 फ्लाइटों के बाद एक विज की फ़्लाइट उड़ रही होती है। और क्यों ना उड़े, 13-13,000 में आप बर्लिन जैसे शहर जा सकते हैं सिर्फ 1-1 या 2-2 स्टॉप्स के ऊपर। और ये टिकट्स नॉन रिफंडेबल होती है, ओबियसली इतनी सस्ती टिकट्स हैं, नो एडजस्टमेंट नो रिफंड्स। हाँ, अगर इसी टिकट को आप डबल प्राइस पे खरीद लें या थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दो तो उसमें आपको एडजस्टमेंट फीस और काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। और क्योंकि इस ट्रिप में मम्मी साथ हैं तो हम बहुत सारे हॉल्ट नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने नेपाल चूज़ किया। वहाँ पे हमने 5,000 रुपये के टिकट में हम पहुँचे, 2 दिन लगाए, अच्छे से घुमा भी, और उसके बाद 25-27,000 के आसपास हमारी एतिहाद की टिकट है जिसके अंदर ही सस्ती इसलिए पड़ रही क्योंकि पहला
जो लेग है वो एयर अरेबिया का था और दूसरी अब इतिहाद की 8 घंटे की फ़्लाइट और उसका लेओवर बहुत बड़ा है, तो इसीलिए ये सारे कॉम्प्रोमाइज, बट अदरवाइज चीपेस्ट ऑप्शन यही थी, वरना तो 50-60 हज़ार रुपये की टिकट थी। तेरी डॉल, डिड यू सी मम्मी सॉक्स? ये सॉक्स जो है गुड़िया दीदी ने सैंडर को दी थी, मगर सैंडर के छूट गई क्योंकि सारा सामान इंडिया में छूट गया, एकदम भागना पड़ा, तो मम्मी ने पहन लिया। अलग अंगूठे वाली मम्मी है तो है, दूर से लगा था तितली बनी हुई है। चप्पल पहननी होती है ना तो ये अंगूठी बड़ी में आराम रहता है। ये चप्पल बस जी, बस हम निकलने का टाइम आ गया, बोर्डिंग गेट पे आ गए। मैडम इस तरह बैठे क्योंकि यहाँ पे पावर सप्लाई है, और माता जी ये वही फ्लाइट है जिसके अंदर मैं आपको न्यूयॉर्क लेके गया था ना, जिस जहाज में। अच्छा, अच्छा। हाँ वैसे ये 380 नहीं है मगर फिर भी कंफर्टेबल है इसकी, जो वो डबल डेकर था। हाँ मगर इसमें भी सीट जो है जिसमें आए हैं उसके मुकाबले सुखाना काफ़ी कन्वीनियंट होगी। जी वीडियो के बीच में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, हमें मोटिवेशन उससे मिलती है। आप चलते हैं आगे। हाँ जी माता जी सर, चलो जी, यहाँ तो ये अच्छा है कि आपको मिल गया कंबल और ठंड हो जाए, है ना, और पिल्लो भी है और सारा सामान, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए हेडफोन पिक्चर विक्चर लगाते हैं आपको। बाकी जी ये सीट में ना ये चीज़ बढ़िया रहती है, बंदा एक साइड टिक के जो है अपना आराम से सो जाए। मैडम भी बस अपना सेट होने की तैयारी में। अरे आई मास्क मिला है, क्या बात है, फ्रेश है। अच्छा ये सब भी देते हैं, ये भी है कि मैं कराटे मारूं तो कान में पावर हो तो सो जाए। रमजान का मुबारक महीना है तो इसलिए बहुत लाइट है, लोगों ने अपने घरों की बाउंड्रीज को सजा रखा है। मतलब कि 2 से चल रहे नाश्ते में, बस पहुंचने वाले हैं। मैं तो ये सो के उठा मगर कई लोग सोच रहे होंगे मैडम का है, मैडम पीछे वही समझदारी कर रही है जो हमने पिछली बार की थी, 3 वाली सीट मिल गई है, सो रही है, बढ़िया। ये है टावर ब्रिज, ये रही शार्ट बिल्डिंग। माता जी फिर स्वागत है इंग्लैंड में। Good morning. Good morning. How much did you sleep? A lot, I think. Yeah? Yeah. Full flight? Pretty much. Oh, wow. माता जी दुनिया की सबसे सख्त इमिग्रेशन में से एक यहाँ पे होती है, बड़े सवाल जो आप पूछते हैं। हाँ जी क्यों आए हो, कितना टाइम के लिए आए हो, क्या पर्पज है, कहाँ जाओगे, सब पूछेंगे। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। देखो जी आगे लेना ये कनेडियन यूरोप यूनियन वालों की, ये ज़्यादातर फास्ट होती है। बाय बाय मम्मी, और साढ़े को कनेडियन पासपोर्ट नहीं तो सीधे चलो वो उधर जा रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा फास्ट होती है। चलो एनीवेज होता नहीं क्यों भीड़ है इतनी, हमें जाना है यहाँ से ऑल अदर पासपोर्ट। सिक्योरिटी चेक्ड, अलग से चेक किया भाई। मुझे लगा था कि वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा। लास्ट टाइम जब मैं लंदन आया था तो यहाँ पे 1 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन थी और बहुत क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई कहाँ से आए हो, कितने टाइम हो, आगे कब निकलोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, घर पे क्या करते हो, क्या बिजनेस है। इस बार दे डिडंट आस्क एनीथिंग, ही जस्ट सेड यू आर हियर ऑन अ हॉलीडे, आई वाज लाइक यस दैट्स इट, क्योंकि हो सकता है उसके बाद हमारे पासपोर्ट से बहुत ज़्यादा वीज़ा लग गए हैं तो मे बी Nothing at all. बस अंगूठा स्कैन कराया, एक सवाल पूछा, जाओ। I didn't speak to anyone. Yeah. और मैडम, मैडम कनेडियन पासपोर्ट है इनको, तो बस अपना पासपोर्ट जो है बारकोड बस वो स्कैन करना होता है, मशीन में खुली और चलो, कोई इमिग्रेशन नहीं, कोई सवाल जवाब, लेटर बटर नथिंग। बट
We both took the same time to come out. Almost. You were still a little quicker. Yeah. I was waiting a bit for you. Okay. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मास्क ही नहीं पहने हुए. मेरे को लगता है मास्क मैंडेट या तो खत्म हो गई है या लोग सीरियसली नहीं ले रहे. भगवान जाने, इसलिए मैंने भी उतार दिया. सबने नहीं पहने हुए तो क्योंकि कोई टोक भी नहीं रहा. एनीवेज, अब यहाँ से हमने निकलना है आगे लंदन की तरफ, मगर वो सारी डिटेल अगली वीडियो में शेयर करेंगे. तो बहुत लंबी होती है. इसमें सारी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन थी, आगे सारी एंट्री इन्फॉर्मेशन और लंदन घूमना, और फिर शुरू करेंगे एक मेजर यूके की रोड ट्रिप जिसके अंदर की हम इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, सिनेमैटिक्स एंड थोड़ी मस्ती भी. बाकी जी वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो माता जी एक सेकंड लाइक एंड शेयर. अच्छा खोलो 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 लाइक एंड शेयर. चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा देना यार प्लीज. थैंक यू.